चलिए एसईओ कोर्स में और आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ जो है ये क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और साथ ही साथ कहां पर आपको व्हाइट हैट एसईओ यूज करना चाहिए और कहां पर आप ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही आज के इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट हैट एसईओ, राइट। तो व्हाइट हैट एसईओ कहते किसको है? सो बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ का मतलब है जहां पर हम जो भी सर्च इंजिन हैं उनके जो रूल रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका ध्यान रखते हुए, या फिर हम इसको थोड़ा सा अदर वे में बात करें, ऑर्गेनिकली जब हम किसी भी हमारी वेबसाइट को, किसी पर्टिकुलर पेज को सर्च इंजन के अंदर लेकर आते हैं, टॉप रैंक पे लेकर आते हैं, उस प्रोसेस को व्हाइट हैट एसईओ कहते हैं। इसका अपोजिट ब्लैक हैट एसईओ की बात करें तो जहां पर जितनी भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस वगैरह हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हुए कुछ ओवर स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स वगैरह का करके या और कुछ गलत टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जब हम अपने किसी भी पर्टिकुलर पेज को या वेबसाइट को रैंक करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मेथड को हम ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं। चलिए भी डिटेल में समझते हैं व्हाइट हैट एसईओ के अंदर क्या करना होता है। तो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर जो है कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं हम एज पर दी गाइडलाइंस। अब पहला चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि जो आपका कॉन्टेंट है वो अच्छे से हम ऑप्टिमाइज करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको जो है डिजाइन किया जाता है, लिखा जाता है, सो दैट कि जब भी यूजर आए उसका एक्सपीरियंस जो है वो स्टेप बाय स्टेप रहे। दूसरा यहां पे हमारे पास में क्या है, रिलेवेंट इंटरलिंक्स जो होते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट में अगर किसी एक पर्टिकुलर निश के ऊपर में या कीवर्ड के ऊपर में काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास में हमारी ही वेबसाइट के अंदर अदर पेजेस हैं उनके साथ में हम रिलेवेंसी के साथ में हम जो इंटरलिंक्स हैं वो डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद क्वालिटी कंटेंट, जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला देते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से डिटेल के अंदर जो है सिस्टमैटिक तरीके से जो है हम यहां पे अपने पेजेस के ऊपर में, वेबसाइट के ऊपर में प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद में क्वालिटी बैकलिंक, क्वालिटी बैकलिंक कहने का मतलब है जो भी हाई अथॉरिटी वाली, जो हाई डोमेन अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट्स हैं वहां से हम प्रॉपर तरीके से जो है ऑर्गेनिकली जब अपनी वेबसाइट पे रिलेवेंस जो वेबसाइट है वहां से अगर हम बैकलिंक लेकर आते हैं उसे हम क्वालिटी बैकलिंक कहते हैं। देन आपका जो है साइट मैप जो होता है जिसमें जो हमारे जो भी सर्च इंजन हैं उसको जब हम अपनी वेबसाइट सबमिट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पेजेस हैं, कौन से डू फॉलो हैं, कौन से नो फॉलो हैं, तो उसकी जो एक पूरी डायरेक्टरी बनाकर जो है दिया जाता है दैट इज कॉल्ड साइट मैप। उसके बाद जो है हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ पे फोकस करते हैं बिकॉज अगर आप टेक्निकल कंटेंट के ऊपर में या टेक्निकल स्टफ के ऊपर में फोकस नहीं करेंगे तो माइट बी यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो सकता है क्योंकि आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम ले रही है लोड वगैरह लेने में। तो ऐसे में जो है यहाँ पे हम एक प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनिकली तरीके से, या कीवर्ड की स्टफिंग की बात करें विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, जो कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जितने यूज किए जाने चाहिए उतने ही हम यूज करते हैं, मतलब बहुत कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस मेथड को जो है व्हाइट हैट एसईओ बोला जाता है, और या फिर आप ऑर्गेनिक वे ऑफ द यू नो रैंकिंग द वेबसाइट आप ये भी कह सकते हो। दूसरा जो हमारे पास है ब्लैक हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ का जो सबसे पहला आता है वो कि हम कीवर्ड को जो है इतने सारे कीवर्ड्स को स्टफ कर देते हैं एक साथ, हर लाइन के अंदर, हर पैराग्राफ के अंदर देयर आर मल्टीपल कीवर्ड्स जो है हम डाल देते हैं सो दैट कि वो जो है जल्दी से जल्दी रैंक कर पाए, या फिर जो है हम यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी कोई अगर रैंक कर रहा है तो उसी कंटेंट को एज इट इज कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, अपने पेज पे डाल देते हैं और उसको जो है यहाँ पे वापस ओवर स्टफिंग ऑफ कीवर्ड के साथ में उसको जो है वापस से रैंक करने के लिए हम ये मैथड इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। अब हमने दोनों में डिफरेंस समझ लिया,
दोनों में क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं वो हमने समझ लिया, या ब्लैक हैट एसईओ के अंदर और भी चीजें करी जाती हैं लाइक लिंक स्पैमिंग की जाती है, राइट, इस तरह से कई सारे मेथड्स हैं जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक लिंक हिडन लिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वगैरह वगैरह काफी सारे जो है मेथड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन सब चीजों को आगे डिटेल के अंदर हम चीजों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से देखेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि कहां पर आपको व्हाइट हैट एसईओ करना है और कहां पर आपको ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल करना है या करना नहीं चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं, अगर एक किसी भी क्लाइंट की या आपकी खुद की एक वेबसाइट है जो बहुत लंबे समय तक आप एज अ बिजनेस लेके जाना चाहते हैं, एज अ ब्लॉग लेके जाना चाहते हैं, या बहुत लंबे समय तक जो है आप उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड, और हमेशा जितने भी एसईओ करते हैं वो यहां पर व्हाइट हैट एसईओ का ही इस्तेमाल करते हैं, सो दैट की ऑर्गेनिकली जो उनकी वेबसाइट है वो रैंक करे और हमेशा के लिए जो है वहां पर ट्रैफिक आता रहे, जिससे वो जो क्लाइंट है वो अपना बेनिफिट ले सके। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट है, से फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट, एक डोमेन आपने रजिस्टर करा और वो पर्टिकुलर एक इवेंट के लिए ही रजिस्टर किया और दोबारा वो इवेंट कभी भी इस्तेमाल नहीं होना है, तो ऐसे में हम क्या करना चाहते हैं, अब क्योंकि नया डोमेन है अब उसको फास्ट रैंक पे लाना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आपकी ये एक सिचुएशन बता रहा हूं, अदरवाइज इसको भी ये गलत तरीका होता है, इससे बेटर है कि आप जो है जो आपके पेड जो गूगल एड्स वगैरह हैं या सोशल मीडिया एड्स वगैरह हैं उनके जरिए ट्रैफिक लेकर आएंगे तो वो ज्यादा बेहतर आपको जो है रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप फिर भी ब्लैक हैट एसईओ में जाना चाहते हैं, आपके क्लाइंट के पास इतना ज्यादा बजट नहीं है, तो आप किसी पर्टिकुलर को कोई एक टाइम फ्रेम के लिए लाइक 10 डेज 15 डेज तक ही उसको यूज करना है, उसके बाद उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देन इन दैट केस जो है आप एक ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवर स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगेन इट्स अगेंस्ट दी रूल, तो आप जो है इसको इस्तेमाल ना ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि अगर वो डोमेन दोबारा कभी भी यूज करना है तो वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, तो ब्लैकलिस्ट होने के बाद दोबारा कभी आप उसको रैंक नहीं कर पाएंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। सो गाइस आई होप कि आज के इस वीडियो के अंदर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, क्या क्या टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल होती है और कहां पर आपको ब्लैक हैट एसईओ का या व्हाइट हैट एसईओ का जो है इस्तेमाल करना होता है। फिर मिलता हूं इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के साथ में। आई होप कि ये आपको पूरी जो एसईओ की सीरीज है पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ एडवांस लेवल तक जो है एसईओ में जाना चाहते हैं, अभी हम सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होने बाकी है, तो जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तब आपको और ज्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर आएगा। मैं मिलता हूं एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।